हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल मेडिसिन नॉलेज सागर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा जो 1539 पदों पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी का लास्ट डेट 19 तारीख था, उसके रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण सूचना निकाला है। तो आइए हम लोग आप लोगों को लेकर चलते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस की मेन साइट पर। यहाँ पर क्लिक कर दिए, आप लोग देखिए, अब नोटिस देखिए, यहाँ पर नोटिस पर क्लिक करते हैं हम लोग, इसको डाउनलोड कर लिए नोटिस को। अब देखिए इस नोटिस को खोलते हैं, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है आप लोग अच्छा से देखिएगा। देखिए 19 तारीख को ये रिलीज किया गया है, ऑफिशियल है, ये फेक नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का। देखिए विज्ञापन संख्या 5/2023 फार्मासिस्ट, आवश्यक सूचना देखिए इसमें दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 1672/2023 में दिनांक 13/4/2023 को पारित आदेश एवं CWJC नंबर 7437/2023 में दिनांक 17/5/2023 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु विज्ञापन संख्या 5/2023 फार्मासिस्ट के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के सॉफ्टवेयर में संशोधन की आवश्यकता है। ठीक, सॉफ्टवेयर संशोधन के बाद ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु पुनः 15 दिनों हेतु पोर्टल खोला जाएगा। ठीक, उक्त तकनीकी संशोधन के पश्चात ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु तिथि अलग से संसूचित की जाएगी। तो आप लोग मान के चलो कि अब आप लोगों को 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और ये और भी आगे डेट बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने में या सॉफ्टवेयर फिर से उसको बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि बी फार्म वाले स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई, और एम फार्म वाले को भी अप्लाई करने का परमिशन दे दिया गया है। ठीक, मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा, जो ये कोर्ट का आदेश था उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या आदेश दिया था, क्या बी फार्म वाले और एम फार्म वाले का क्या आदेश आया था, उसको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।